जिया क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा तुमसे? जिया तुम ठीक तो हो ना? शोल, माने कहा कि मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा जिंदा है शोल। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो मिल गया। शोल, हमें जेल में शेखर से मिलने जाना होगा। सिर्फ शेखर को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। शेखर को? शेखर ने मैं मना किया था जिया को ये बात बताने से। मुझे तो लगता है कि जिया को ये बात बताकर हमने सही नहीं किया है। ये खबर तो सबसे पहले जिया तक ही पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि वो उस बच्चे की माँ है। लेकिन रुक्मिणी, जिया ने अभी अभी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी ख्याल से शायद शेखर ने कहा था। शेखर शायद सही सोच रहा है, लेकिन आप भी तो सोचिए, बात जिया के बच्चे की है। अगर कल को उसे पता चलता है कि हम लोगों ने ये बात उसे छिपा कर रखी, और जिंदगी भर के लिए हम लोग उसके लिए गुनहगार बन जाते। इसीलिए कह रही हूं, आप निश्चिंत हो जाइए, हमने जो कुछ भी किया है सही किया है। तुम चाहे कुछ भी करो, जिया तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जिया मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं जिया को कभी तुम्हारा नहीं होगा। हार कर कैसा लग रहा है? यू विल नेवर। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। शेखर हर चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, आज मार के देख। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिया को यहां पर 9 महीने के लिए छोड़ दूं? एक लुटेरे से कहूंगा कि मेरी अमानत की रखवाली करे? इतना बेवकूफ नहीं हूं। वैसे शेख चिल्ली ने भी कब माना था कि वो बेवकूफ है? एंड यू नो, मैच का रिजल्ट आखिरी ओवर में नहीं, कई बार आखिरी बॉल पर भी बदल जाता है। शॉ, शेखर सचमुच बदल गया। तुम्हें लगता है शेखर बदल सकता है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? शोम, चलो जल्दी। शोम, क्या सोच रहे हो? चलो ना जल्दी। जी, एक बात कहूं? कहो। तुम्हें नहीं लगता कि ये शेखर की कोई नई चाल है? जिया, शेखर कभी भी हमें खुश नहीं देख सकता। क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो? और ये बात शेखर की नहीं, ये बात मेरे बच्चे की है। जिया, मैं जानता हूं ये बात तुम्हारे बच्चे की है, और मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं शेखर पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ शेखर पर विश्वास करती हूं। शो, देखो शो, बहुत सारी बातें जो तुम नहीं जानते, और ये वक्त भी नहीं है उन सब बातों को समझाने। ठीक है, अगर शेखर नहीं भी बदला है, ये उसकी चाल भी है, तो एक चांस तो हमें ले ही लेना चाहिए ना। और ये बात शेखर और मेरे तुम्हारे विश्वास की नहीं है शो, ये बात मेरे बच्चे की। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर तुम चाहते हो अक्षु कि शेखर की बातों पर यकीन ना करके मैं घर में बैठी रहूं, तो ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन इस बात को मैं अनदेखा नहीं कर सकती। अक्षु जिया,
आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। चलो चलते हैं। शेखर, मुझे सारी बातें बताओ। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कहाँ देखा अपने बच्चे को? किसने इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है? मानस ने मुझे बताया कि मेरा बेटा जिंदा है। हाँ बाबा, बाबा मानस इसी जेल में है। बाबा, मेरा बेटा अभी मानस के कब्जे में है। लेकिन शेखर, तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हारा ही बच्चा है? माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरा ही बच्चा है। आखिर मैं बाप हूँ उसका। माँ, इसके अलावा नीचे भी वही दाग था जो मुन्ना के कान के नीचे था। हाँ, मुझे धोखा नहीं हो सकता। हाँ, वो मेरा ही बेटा है, मेरा मुन्ना है वो। बाबा, जब मैं अपने मुन्ने को गुंडों से बचाकर जंगल की तरफ भाग रहा था तो मेरा सामना एक साधु बाबा से हुआ। बाबा, उसी साधु ने कहा था कि मेरे मुन्ने पर किसी शत्रु का वार नहीं चलेगा, चाहे लाख विघ्न आए पर वो जिंदा रहेगा। बाबा, 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 इन्हीं हाथों से मैंने अपने बच्चे को महसूस किया है। बाबा, मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि वो मेरा ही बच्चा है, वो मेरा मुन्ना है। बाबा, मां, मैं गलत नहीं हो सकता। बच्चा जिंदा है। हाँ जिया, हाँ, हमारा बच्चा जिंदा है। शेखर, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ जिया, हाँ, हमारा बच्चा जिंदा है जिया, हमारा बच्चा जिंदा है। कहाँ है वो? मुझे उसे मिला दो। कहाँ है वो? वो हमें नहीं मिल सकता जिया, वो मानस के पास है। बच्चे को पाने के लिए हमें मानस को जेल से छुड़वाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शेखर, मुझे अपना बच्चा दिला दो। किसी भी कीमत पर मुझे अपना बच्चा दिला दो। शेखर, मुझे अपना बच्चा दिला दो। जिया, जिया, तुम चिंता मत करो, हम बच्चे को बचा लेंगे। मैं देखता हूं अभी क्या हो सकता है। बच्चे के बदले में मानस जो कुछ भी मांगेगा हम उसे दे देंगे। और अब तो क्षोम भी आ गया है ना, इसे चिंता की कोई जरूरत नहीं। थैंक
उठो बेटा, जिया बेटा उठ जाओ। शोम, शोम तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, शोम तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज शोम, शोम प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा शेखर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या जो कुछ भी करूंगा जिया के लिए करूंगा। ये जिया का बच्चा है और मैं इसे हर हाल में बचाऊंगा। इंस्पेक्टर, मैं मानस से मिलना चाहता हूं। कल आप विजिटिंग कार्ड में आइएगा। देखिए, आपको शेखर पांडे से मिलने दिया यही बहुत है। इस वक्त किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, आप कल आइएगा प्लीज। कल तो मैं कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आऊंगा। जिया देखो ना, शोम पता नहीं, मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, हम मानस से अपना बच्चा लेने में कामयाब हो जाएंगे ना। शोम जाकर जाकर तुम इंस्पेक्टर से परमिशन ले लो कि वो हमें मानस से मिलने दे। जाओ शोम। जिया कल सुबह होने दो, मैं कोर्ट में अपील करूंगा, कोशिश करूंगा कि मानस को जमानत हो जाए। एक बार जमानत हो जाए उसी के बाद हम उससे कुछ डील कर सकते हैं। शोम कल तक बहुत देर हो जाएगी, कल तक वो मानस मेरे बच्चे को कहीं। जिया तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे मानस का स्वार्थ जुड़ा है तुम्हारे बच्चे के साथ, और वैसे भी अभी बहुत देर हो चुकी है, हम मानस से नहीं मिल सकते। लेकिन शोम तुम इंस्पेक्टर से जाकर एक बार पूछते क्यों नहीं? जिया मैंने उस इंस्पेक्टर से बात की थी लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जिया अब जो कुछ भी होगा कल सुबह ही होगा। देखो मेरा भरोसा करो ना, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लाऊंगा। ओके अब चले बाबा, चले। हाँ चलो बेटा आओ। कितनी बार समझाया था ना मैंने तुझे कि इस औरत से अपने पति को बचा कर रखना। बार बार मैंने तुझे कहा था डब्बो कि ये औरत तेरा घर उजाड़ देगी, पर नहीं, तू तो अपने पति की अंधभक्ति में लगी हुई थी ना। अब देख लिया अपने पति को? बस करो मम्मी, बस कर दो ना। क्या चाहते हो आप लोग? क्या करूं मैं? घुट घुट के मर जाऊं? मरी तो नहीं हूं मैं, घुट घुट के मरी तो नहीं हूं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो मम्मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे क्या कसूर है मेरा? सिर्फ अपने पति पर, अपने पति पर भरोसा ही किया था ना मैंने। अपने पति पर भरोसा करना गलत बात है क्या? पता नहीं मेरे साथ ही लेके यहाँ खड़े मत रहो। प्लीज जाओ यहाँ से, मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती। प्लीज नेत्रा, दरवाजा खोलो। अब क्या लेने आई हो? तुमसे क्या लूंगी? तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? कुछ अजीब सा रिश्ता हो गया ना हमारा। तुम्हारा बच्चा तो पहले से मेरे पास था, अब पति भी मेरा हो चुका है, इससे सारे रिश्ते उलट पुलट हो गए।
है ना? वैसे क्या कह रही थी तुम दिवाली के दिन कि अगर तुम्हारा पति कमजोर नहीं पड़ता तो क्या कर लेती तुम? कुछ नहीं कर पाती। समर मेरे लिए इस घर तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर मैंने सोचा हम क्यों जाएं? जाना तो तुम्हें चाहिए ना, क्योंकि अब यहां किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है तुम्हारे लिए यहां पर, सब कुछ मेरा है। ये घर, ये बच्चा, समय, सब कुछ। तरस आता है मुझे तुम। एक राज की बात बताओ, लोगों पर विश्वास करो, डेफिनेटली करो, लेकिन अंधविश्वास? खैर तुम तो अपनी पैकिंग वैकिंग कर ही लो, और हाँ अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं कह दूंगी समर से, कुछ ना कुछ तो तुम्हें दे ही देंगे। मिस्टर शोम पुंडीर, अरे भाई तुम तो बड़े काम की चीज हो, जो काम मैं इतने महीनों में नहीं कर पाया तुमने एक दिन में कर दिया। यू आर अ गुड लॉयर। मतलब की बात करो, तुम हमें बच्चा कब लौटा रहे? अरे भाई तुम्हारा बच्चा है, कभी भी ले लो। देखो बातें मत बनाओ, सीधे सीधे ठीक तरीके से बताओ कि आज रात 10 बजे कहां, ये मैं तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल ठीक तरीके से। ठीक है, हम वहां पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे और साथ में पैसे भी लेकर आएंगे, पूरे 20 करोड़ रुपए। और हाँ, पांडे परिवार मुझ पर लगाए सारे इल्जाम कोर्ट से वापस लेता है। क्या हुआ शोम, चुप क्यों हो गए? शर्त मंजूर नहीं है? मंजूर है। क्यों? तुम क्या सोच रहे हो? देखो ये जितने भी पैसे मांगता है ना उसे दे दो, मुझे मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। लेकिन हम इस मानस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसको पैसे मिल जाने के बाद या इस पर से सारे इल्जाम हट जाने के बाद ये हमें बच्चे को वापस लौटा देगा। इससे पहले कि ये हमें या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। याद रखना बिलावल, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा जी और शोम के लिए है, और उनका असली बच्चा सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए। एक बार पैसे मेरे हाथ में आ जाए, मैं जिया के बच्चे को इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। बहुत तड़पाया है पांडे परिवार ने मुझे, मेरी मां जेल में तड़प तड़प कर मर गई, और मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। इस बच्चे के लिए मैं पांडे परिवार को इतना तड़पाऊंगा, इतना तरसाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, उनका असली बच्चा उन्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। चलो मैडम, अभी आप जाइए यहां से, अगर वो लोग आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहन जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैं आपका यह एहसान। मैडम अभी आप जाइए यहां से, जाइए। चलो कम।
अरे ये लोग यहाँ कैसे हैं? सो घबराओ मत जिया, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। छोड़ बच्चे को, छोड़ बच्चे को वरना गोली मार दूंगा। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से बच्चे को लेकर जाने दूंगा? बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने, तुम्हारे हाथ में बच्चा है। अगर बच्चे को गोली लग गई तो मत कहना कि मानस ने नहीं कहा था।